أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Agha Shahriar Khan and welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainly Today inshallah it is going to be one of the most important videos of our channel So आज की वीडियो में हम उन authors की या उन books की बात करेंगे जिसको हर CSS aspirant को तकरीबन जरूर पढ़ना चाहिए in order to build an effective analysis in your English essay या current affairs हो या international relations हो या Pakistan affairs हो but खास तौर पे essay के लिए उनको ये books जरूर पढ़नी चाहिए दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि it is not necessary to read the whole book because you all know that we have a limited amount of time so बेहतर यह है कि किसी भी book में से आपको कुछ relevant chapters को निकाल कर उनको स्टडी करना चाहिए कीपिंग इन व्यू द कंटेम्प्रेरी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स जिससे आपको ऐसे में मदद मिले और आप इफेक्टिव आर्गुमेंटेशन से अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करें जो ना सिर्फ आपको पास करे बल्कि अच्छे नंबरों से आपका ऐसे पास करे सो आज की वीडियो में ना मैं वो सिर्फ आपको बुक्स बताऊंगा बल्कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज से तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैं पहली इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है जी हामिद खान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसका अगर मैं आपको कहूं तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है वो है चैप्टर 40 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज ये चैप्टर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पाकिस्तान के कोर इश्यूज को एक्सेंचुएट करेगा कि पाकिस्तान के कोर इश्यूज असल में थे क्या और आज जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो पॉलिटिकल क्योस है और जो जुडिशियल ग्रिडलॉक है वो क्यों है और इसके पीछे क्या वजूहत है और इसका क्या सलूशन होना चाहिए तो सबसे पहले इस बुक का चैप्टर 40 जो आपको जरूर रीड करना चाहिए इसी सूरत हाल में नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है जी बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बाय मलिया लोधी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इसके कुछ चैप्टर्स जो हर सीएसएस एस्पायरेंट को रीड करने चाहिए स्टार्ट में जी सबसे पहले है इकोनॉमिक क्राइसिस स्टेट चैप्टर नंबर 10 बाय निकाल अहमद देन जी चैप्टर नंबर 12 टर्निंग एनर्जी अराउंड बाय ज़ियाद अहमद And education as a strategic imperative by Muhid Yusuf, chapter 13. ये तीन chapter आपको पाकिस्तान के economic issues, पाकिस्तान के energy issues और educational जो crisis है उसके ऊपर एक effective analysis build करने में मदद करेंगे इसके साथ साथ इसका chapter number 3, why Pakistan will survive, again an important chapter. It gives you an optimistic outlook क्योंकि currently जो हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें काफी ये डिबेट हो रही है कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है क्या हम जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो ये चैप्टर के व्हाई पाकिस्तान विल सरवाइव आपको एक पॉजिटिव या एक अल्टरनेटिव ओपिनियन देगा तो सेकंड बुक जी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस बाय मलिया लोधी जिसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए इसके बाद से जी अगर हम देखें तो काफी दफा इंग्लिश ऐसे में वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के ऊपर एग्जामिनर जो है वो काफी फोकस करता है और इन टॉपिक्स को ऐसे में प्रिफेयर भी करता है फॉर एग्जांपल 2016 या 2017 में ऐसे आता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग या अगर आप किसी भी चीज के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं एजुकेशन के ऊपर एनर्जी के ऊपर गवर्नेंस के ऊपर पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर तो आपको उसके सॉल्यूशंस देना बहुत जरूरी है तो वो बुक जो आपके रिकमेंडेशंस पार्ट में एक पॉजिटिव या एक वैल्यू एडिशन करेगी उस बुक का नाम है जी गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन अगेन इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको लाजमी पढ़ने हैं इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव रिकमेंडेशन इन योर इंग्लिश एसे जी इसका चैप्टर नंबर 4 द पॉलिटी चैप्टर नंबर 6 फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चैप्टर नंबर 10 लेजिस्लेचर चैप्टर नंबर 16 रीस्ट्रक्चरिंग की इंस्टीट्यूशंस एंड चैप्टर नंबर 17 लेसंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए तो ये हो गए पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज की बात सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज अब आइए चलते हैं पाकिस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज की तरफ फॉरेन पॉलिसी की तरफ
पाकिस्तान रिलेशंस विद रीजनल कंट्री की तरह। तो इस डोमेन में जो एक कंटेम्प्रेरी बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, वो है जी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय गुलाम अली। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एक रिसेंट बुक है। अगेन इसके कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें चाइना पाकिस्तान रिलेशंस है, अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस है, इंडो पाक रिलेशंस है, रशिया पाकिस्तान रिलेशंस है, पाकिस्तान रिलेशंस विद ईयू है, इसके अलावा जो ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क है चाइना पाकिस्तान इंडिया, उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा एनालिसिस और बड़ी अच्छी एक जो है वो कमेंट्री की गई है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज पाकिस्तान एक्सटर्नल इश्यूज आर कंसर्न। अब आइए चलते हैं जरा इंटरनेशनल इश्यूज की तरफ, ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ, इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। तो इसमें जो आप किसी भी सी एस एस्पायरेंट को करना चाहिए, तो ही और शी मस्ट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द वर्ल्ड आफ्टर पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक ने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इफेक्ट किया है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ग्लोबल हो। उसके बाद से काफी चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इस डोमेन के अंदर, वो है जी फरीद जकरिया की 10 लेसंस फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अगेन इसके कुछ 10 लेसंस फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, अगेन इसके कुछ चैप्टर्स जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 जो कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, चैप्टर नंबर 7 जो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर है, चैप्टर नंबर 8 ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, एंड चैप्टर नंबर 9 जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर है, जिसमें डिबेट है कि आइदर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाइपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड दीज 4 चैप्टर्स इज मस्ट रीड फॉर एवरी सीएसएस और पीएमएस एस्पायरेंट। इसी के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट बुक और उसके कुछ चैप्टर्स अगेन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है उनकी, और वो बुक जो है वो मेरे ख्याल में इफ यू हैव इंटरनेशनल रिलेशंस एज इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट तो वो तो फिर आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए, अगर नहीं भी है तो इसके कुछ चैप्टर जरूर पढ़ें। और मैं बात कर रहा हूं जी द वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और अगर आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स समझनी है, तो यूएस और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेन रिलेशंस हैं उनका, उनके ऊपर एक इफेक्टिव एनालिसिस चाहिए, तो इससे बेहतर आपको बुक नहीं मिलेगी। और इसके खास तौर पर चैप्टर 3 इस्लामिज्म एंड मिडिल ईस्ट अ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, चैप्टर 4 यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अप्रोचेस टू ऑर्डर, चैप्टर 5 मल्टीप्लिसिटी ऑफ एशिया, एंड चैप्टर 6 टूवर्ड्स एन एशियन ऑर्डर कंफ्रंटेशन और पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4 चैप्टर को कम से कम आपने जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिबेट देखें, डिफरेंट एनालिस्ट को सुने, स्कॉलर्स को सुने, तो आपको काफी पेसिमिज्म मिलेगा। काफी लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज डाइंग, अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो कहते हैं कि इट इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन राइट, टेररिज्म जो है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता चले जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि हम प्रोग्रेस के पाथ में बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, अगर आप कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को या स्कॉलर्स को देखें। तो इसी बैकड्रॉप में एक बहुत अच्छी बुक है जो आपको एक अल्टरनेटिव ओपिनियन देगी, जो आपको एक ऑप्टिमिस्ट आउटलुक देगी विद एविडेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एविडेंस हो, रेफरेंसेस के साथ, जो आपको ये बताएगी कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन एंड वी आर मेकिंग प्रोग्रेस विद ईच पासिंग ईयर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन ऑर्डर टू बिल्ड एन ऑल्टरनेटिव ओपिनियन और ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंटेशन। और उस बुक का जो नाम है वो है जी इनलाइटनमेंट नाउ बाय स्टीवन पिंकर। अगेन इसके कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता देता हूं इन चैप्टर्स में जी। सबसे पहले है चैप्टर 11 पीस के ऊपर, चैप्टर 12 सेफ्टी के ऊपर, चैप्टर 13 टेररिज्म पर, चैप्टर 14 डेमोक्रेसी पर, चैप्टर 15 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, एंड चैप्टर 19 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के ऊपर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, यू शुड रीड दीज चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक, आपको काफी मदद मिलेगी। लास्ट जो चीज है वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप सीएसएस के ऐसे के एग्जाम के
पेपर उठाएं आफ्टर 2016 तो आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स में उसने टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स को बड़ी प्रेफरेंस दी है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर हो, तो टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स भी अब जो है वो एसए के टॉपिक्स में आ रहे हैं। और अगर हम कंटेम्प्रेरी ईयर को देखें तो उसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की बड़ी एडवांसमेंट है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, उसके डिफरेंट वर्जन्स हो। सो इट इज बेटर इफ यू बिल्ड योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। उस डोमेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर है या बुक है वो है जी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी बाय युवाल नोआ हरारी। और खास तौर पे इसके जो शुरू के चार चैप्टर हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, आपकी लिबर्टी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इक्वालिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो शुरू के चार चैप्टर आपको इस बुक के लाजमी पढ़ने हैं अगर आप इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं। तो ये कुछ बुक्स थे और उनके कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप इसको पढ़ें, अपनी रीजनिंग डेवलप करें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करें और ऐसे में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें। इन द एंड I would like to give you best wishes for your preparation. और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस में हम आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।